स्वागत है आपका मेरे इस नॉलेज से भरे चैनल में जिसका नाम है एसएनएस मार्केट ज्ञान। इस एसएनएस मार्केट ज्ञान के चैनल में मैं आपके साथ शेयर करता हूं डेली बेसिस पे ऐसी जानकारी, ऐसी न्यूज जिसे जानकर आप स्टॉक मार्केट में एक सफल ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज की प्री मार्केट समरी, और आज की प्री मार्केट समरी में मैं आपको काफी सारी डिटेल देने वाला हूँ जिससे आप आज मार्केट में जब भी ट्रेड करेंगे वो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड्स होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि मेरे वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन का बटन है वो भी आप दबाएं ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में लगातार बनाता रहूं और आपको नोटिफिकेशन से भेजता रहूं। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं आपको आज की प्री मार्केट समरी बताने जा रहा हूं, यानी कि 18 अगस्त का मॉर्निंग का 8 o'clock का डेटा आप इस वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो में आप देखेंगे मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं, उसका भी मैंने एक छोटा सा समरी यहां बना लिया है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा येस्टरडे का एंड मार्केट समरी लिंक, जो कि आपको सबसे पहले हेडर में दिख रहा होगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा मार्केट का इंडेक्स, जिसके अंदर निफ्टी 50 वगैरह काफी सारी डिटेल होंगी, वो भी आप वीडियो में आगे देखेगा। उसके बाद करेंसी स्पॉट रेट्स में आपको बताऊंगा, एडवांस डिक्लाइन रेशियो बताऊंगा, कितने स्टॉक्स ऊपर गए, कितने स्टॉक्स नीचे गए, उनका एक रेशियो निकाल के बताऊंगा। एनएससी के टॉप गेनर टॉप लूजर आपको बताए जाएंगे इस वीडियो में। देन आपको बताए जाएंगे पिवट टेबल, जो आपके आज की ट्रेडिंग में आपके काम आ सकते हैं, स्टॉक न्यूज, स्टॉक रिजल्ट्स, ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में दी जाएगी। देन आपको उसके बाद में एमसेक्स का डेटा बताऊंगा, उसके बाद में आपको बताऊंगा मार्केट का ग्लोबल इंडाइसेस, जिसके अंदर आपको यूएस की मार्केट का, यूरोप की मार्केट का और एशियन मार्केट का आपको ग्लोबल मार्केट पता चलेगा। देन मैं आपको बताऊंगा कि आज का मेरा निफ्टी पे टेक्निकल व्यू क्या है, फंडामेंटल व्यू क्या है, और वो कैसे कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कौन से इंडिकेटर्स लगा रहा हूँ, कैसे कैसे आपको ये पता लगेगा कि ओपनिंग व्यू क्या रहेगा और आज हमारा पूरे दिन का निफ्टी पे क्या व्यू रहेगा, तो आपको वो सब इस वीडियो में दिखेगा। तो बिना देरी करें आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपको एक थंबनेल दिख रहा होगा जिसमें मेरी इमेज भी आपको दिख रही होगी। इसमें लिखा हुआ है एंड मार्केट समरी 17 अगस्त का इवनिंग का 5 o'clock का इसके अंदर डेटा है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इस वीडियो के अंदर जो आई बटन पे लिंक भी आ गया होगा, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको चार्ट्स के बेसिस पे पूरे दिन का मूवमेंट बताया है, निफ्टी वीक्स का यानी इंडिया वीक्स और निफ्टी 50 का, प्राइस बैंड हीटर बताए हैं, 52 वीक के हाई लो बताए हैं, लार्ज डील्स आपको बताए हैं, और काफी सारी डिटेल जो एंड मार्केट समरी में कवर करनी जरूरी थी वो सारी मैंने डिटेल उस वीडियो के अंदर डाल दिए। तो ये वीडियो जब आई बटन में आपको दिख गया होगा, इसको अभी आप मत क्लिक करिएगा, पहले आप मेरा ये वाला प्री मार्केट समरी का वीडियो देख लीजिए, वो वीडियो आप बाद में देख लीजिएगा, पहले आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं मार्केट के इंडियन इंडेक्सेस की तरफ। मार्केट के इंडियन इंडेक्सेस में आप निफ्टी 50 देख सकते हैं, बैंक निफ्टी देख सकते हैं, आप इसमें देख सकते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50, इंडिया वीक्स और सेंसेक्स। तो ये सारी डिटेल आपको मैं अब बताने वाला हूँ, जिसमें आपको LTP चेंजेस, परसेंटेज चेंजेस, ओपन हाई लो वगैरह पता लगेंगे। तो निफ्टी 50 अगर आप देखते हैं तो इसका LTP इस समय 16614 का आ रहा है। इसका अगर चेंजेस देखते हैं तो 51 पॉइंट के चेंज है, पॉइंट में यानी परसेंटेज में 0.31% का चेंज है। ओपन इसका 16545 पे हुआ है, हाई इसका 16628 है, लो इसका 16495 है। तो ये सारी डिटेल आपको निफ्टी 50 की बता दी। इसी तरह से बैंक निफ्टी का अगर हम देखते हैं तो इसका LTP 35867 है, परसेंटेज में जो चेंजेस है माइनस में 0.63% चेंज है, पॉइंट्स में 227 पॉइंट माइनस में चेंज है, यानी कि कल बैंक निफ्टी नेगेटिव हुआ है और बाकी सारे जो इंडेक्सेस हैं जैसे निफ्टी 50 आप देखते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 ये पॉजिटिव साइड में बंद हुए हैं, सेंसेक्स भी कल पॉजिटिव बंद हुआ है। और ओपन जो बैंक निफ्टी का मैं आपको बता रहा हूँ 35935 है, हाई इसका 35993 है, लो इसका 35611 है। तो ये सारी डिटेल मैंने आपको बैंक निफ्टी की बता दी। बैंक निफ्टी के बाद निफ्टी नेक्स्ट 50 का आपको बताता हूँ। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 जो कल पॉजिटिव में बंद हुआ है, तो उसका जो LTP है 39755 का है, चेंजेस 207 पॉइंट्स के हैं, परसेंटेज में 0.52% का चेंज है, ओपन इसका 39568 हुआ है, हाई इसका 39803 टच हुआ है, लो इसका 39382 टच हुआ है। इसके साथ अगर हम इंडिया विक्स देखें तो इंडिया विक्स का LTP 13.41 है, चेंजेस माइनस में मतलब नेगेटिव साइड में कल ये क्लोज हुआ है तो माइनस में 0.05 पॉइंट का चेंज है, परसेंटेज में माइनस में 0.37% का चेंज है, ओपन इसका 13.45 है, इसका जो हाई टच हुआ है 13.61 टच हुआ है, लो इसका 12.02 टच हुआ है। तो मैंने आपको यहाँ पे इंडिया विक्स भी दिखा दिया जो नेगेटिव बंद हुआ था। अगर आप सेंसेक्स देखते हैं तो सेंसेक्स का LTP 55792 है, चेंजेस 209 पॉइंट के चेंजेस हैं, परसेंटेज में 0.38% का चेंज है, ओपन इसका
555 का है, हाईस का 555 का है, लोस का 555 का है। तो ये सारी डिटेल जो मैंने आपको नंबर्स बताए, आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन होगी तो वीडियो को पॉज करके मैं साइड होकर आपको सारा दिखा देता हूँ। सारा का सारा आप डिटेल देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। जहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन हो रही है आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो मार्केट इंडाइसिस के बाद, यानी मार्केट इंडाइसिस मैंने अभी आपको बता दिया, मार्केट इंडाइसिस के बाद करेंसी स्पॉट सेट्स में आपको बता देता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं यूएसडी आईएनआर का फिलहाल जो रेट चल रहा है, ये आपको स्पॉट सेट बता रहा हूँ मैं, करेंसी के कोई फ्यूचर कोई ऑप्शन नहीं है। तो यूएसडी आईएनआर का जो मैं आपको स्पॉट रेट बता रहा हूँ 74.2856 चल रहा है, जीबी आईएनआर का रेट 102.6152 चल रहा है, यूरो आईएनआर का रेट इस समय 87.4030 चल रहा है, यान का जो रेट चल रहा है 67.9500 चल रहा है। तो ये सारे करेंसी स्पॉट रेट हैं, इनके बेसिस पे आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं अगर आप करने वाले हैं तो। इसके बाद मैं आपको बता दूं एडवांस यानी ऊपर जाने वाले कितने स्टॉक्स थे, डिक्लाइन यानी नीचे जाने वाले स्टॉक्स कितने थे, इनका मैं आपको एडी रेशियो निकाल के बताऊंगा, एडवांस डिक्लाइन रेशियो। तो मैं आपको एडवांस डिक्लाइन रेशियो बताने जा रहा हूं। एडवांस निफ्टी 50 के 26 स्टॉक्स थे, डिक्लाइंस में 23 थे। अगर आपका इनका एडी रेशियो निकालते हैं तो 26 डिवाइड बाय 23 करते हैं तो 1.13 का इसका एडी रेशियो आता है। ओवरऑल मार्केट का अगर आप देखते हो तो 670 स्टॉक्स एडवांस हैं, डिक्लाइन 1273 स्टॉक्स हैं। अगर इनका रेशियो निकालते हैं तो 0.53% का इसमें रेशियो आता है, जो आपको भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये एडी रेशियो थे आज के हमारे। एडी रेशियो के बाद अब हम बढ़ते हैं टॉप गेनर टॉप लूजर की तरफ। एनएससी के टॉप गेनर अब आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, इसमें आपको टेबल दिख रहा होगा। टाटा कंज्यूमर का एक स्टॉक है 832 का, इसका एलटीपी है, परसेंटेज में 3.83% का चेंज है। विप्रो का एलटीपी 634 है, परसेंटेज में 3.29% का चेंज है। टेक महिंद्रा का एलटीपी 1410 है, परसेंटेज में 3.15 का चेंज है। हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो ओटीपी है 2484 का है, परसेंटेज में 2.41% का पॉजिटिव साइड में चेंज है। नेस्ले इंडस्ट्रीज का जो एलटीपी है 18726 है और परसेंटेज में 2.35% का चेंज है। तो आप एक तरह से देख सकते हैं टॉप गेनर के अंदर जो टॉप लिस्ट में जो स्टॉक्स रन कर रहे थे उसमें टाटा कंज्यूमर, विप्रो, टेक महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले इंडस्ट्रीज था। और इनके जो परसेंटेज में जो रेंज आई है यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.35% से लेके 3.83% के बीच में रही है। तो इनके बेसिस पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टॉप गेनर में कल कितने प्रतिशत स्टॉक्स ऊपर गए थे, कितने प्रतिशत स्टॉक्स नीचे रहे थे। तो अब मैं आपको बता देता हूँ टॉप लूजर। टॉप लूजर में आप देख सकते हैं टॉप लूजर में रन करने वाले जेएसडब्ल्यू, अदानी पोर्ट्स, टाटा मोटर, कोल इंडिया और यूपीएल स्टॉक्स हैं। आपको टेबल यहाँ पे दिख गया होगा। जेएसडब्ल्यू का एलटीपी 743 का, परसेंटेज में माइनस में 2.42% का चेंज है। अदानी पोर्ट्स का एलटीपी 690 का है, परसेंटेज में माइनस में 2.26% का चेंज है। टाटा मोटर्स का जो एलटीपी है 296 का है, परसेंटेज में माइनस में 2.22% का चेंज है। कोल इंडिया का एलटीपी 139 का है, परसेंटेज में माइनस में 1.90% का चेंज है। यूपीएल का एलटीपी 760 का है, इसमें जो चेंजेस आने परसेंटेज में माइनस में 1.60% का चेंज है। तो रेंज आपको यहाँ पे दिख रही है माइनस में 1.60% से लेके माइनस में 2.42% के बीच की रेंज रही है। इसमें जैसे स्टॉक टॉप लूजर में टॉप कर रहे थे। टॉप लूजर के बाद अब हम बढ़ते हैं पाइवट टेबल की तरफ। पाइवट टेबल के अंदर आपको पता चलेगा कि आज के हमारे रेजिस्टेंस क्या रहने वाले हैं, सपोर्ट्स क्या रहने वाले हैं, जिसके बेसिस पे आज आप टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो पाइवट्स में आप सबसे पहले निफ्टी फ्यूचर देखेंगे। निफ्टी फ्यूचर का एलटीपी 16602 आ रहा है। पाइवट इसका अगर हम निकालते हैं हाई लो के बेसिस पे, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, तो पाइवट अगर आप देखते हैं तो 16565 का है। रेजिस्टेंस यहां पे दो है, 16647, 16692, तो ये आपके रेजिस्टेंस 1 एंड 2 है। सपोर्ट्स भी यहां पे 2 है, 16521, 16394, तो ये सपोर्ट आपको मैंने यहां पे दो बता दिए। अगर आप बाइंग में चल रहे हैं तो रेजिस्टेंस आपके टारगेट होंगे, स्टॉप लॉस आपके सपोर्ट्स होंगे। अगर आप सेलिंग में चल रहे हैं तो R1 R2 आपके स्टॉप लॉस होंगे और आपके जो सपोर्ट्स मैंने यहां बताए वो आपके टारगेट होंगे। मतलब कि बाइंग में R1 R2 आपके टारगेट होंगे और सेलिंग में आपके S1 S2 आपके टारगेट होंगे। इनके बेसिस पे आप आज ट्रेडिंग कर सकते हैं। निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी भी आपको यहाँ दिख रहा है। 16,500 की कॉल भी यहाँ पे आपको दिख रही होगी, 16,700 की यहाँ पुट दिख रही होगी। तो इनके बेसिस पे आज आप आज के टारगेट एंड स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और इनके बेसिस पे आज आप काम कर सकते हैं। पावर टेबल के बाद अब हम बढ़ते हैं स्टॉक की न्यूज की तरफ। स्टॉक की न्यूज के अंदर ये सारे स्टॉक्स जो आपको स्क्रीन पे दिखने वाले हैं अब आपको ऑलमोस्ट दिख गए होंगे। इसके अंदर IAGEC हैवी इंजीनियरिंग है, मिगमामी ऑर्गेनिक है, IFC है, भारतीय डायनेमिक है, DCM श्रीराम इंस्टीट्यूट इंडस्ट्रीज है और SLTech है। तो ये सारे कंपनीज हैं जो कल स्टॉक न्यूज में रन कर रहे थे। इसमें से किसी कंपनी का भी रिजल्ट नहीं आया है। काफी सारी न्यूज है यहाँ पे, अगर मैं सबको रीड आउट करके आपको बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। तो इस समय आप वीडियो को पॉज करके खुद से आप रीड आउट कर सकते हैं। मैंने आपको इन कंपनी के नाम बता दिए, इन नेम के बेसिस पे आप देख सकते हैं आपको जो भी ठीक लगता है आप उसकी न्यूज अपना आप जो भी यूज करना चाहते हैं उस न्यूज का वो आप कर सकते हैं। तो स्टॉक न्यूज के बाद अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे स्टॉक रिजल्ट कैसे हैं, तो वो आप देख सकते हैं। आज किसी भी कंपनी का स्टॉक का रिजल्ट नहीं आने वाला है,
आज एक विश्वराज कंपनी है जिसका आज स्टॉक स्प्लिट होने वाला है, तो अगर आप उसमें ट्रेडिंग करते हैं तो आप सोच समझ के कर सकते हैं कि आपको स्प्लिट होने के बाद ट्रेड करना है या स्प्लिट होने से पहले करना है। तो ये सारी डिटेल आपको मैंने यहाँ पे बता दी है, क्योंकि आज कोई इस कंपनी का स्टॉक नहीं है, नहीं तो मैं आपको वो भी बता देता कि उसका रिजल्ट कैसे आने वाला है, कैसा मुझे लग रहा है, क्या उसका एस्टिमेट हो सकता है। तो स्टॉक रिजल्ट के बाद अब हम बढ़ते हैं उस लिस्ट की तरफ, जिससे आपको पता चलेगा कि एफएनओ के अंदर कौन से स्टॉक्स में आज आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, यानी कि 7 स्टॉक्स हैं आज मार्केट के अंदर जो एफएनओ के अंदर बैन रहेंगे। अगर आप उनमें ट्रेडिंग करते हैं तो आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट भी नहीं होंगे। तो अगर आप 7 स्टॉक्स की लिस्ट यहां देखेंगे तो कैडिला हेल्थ केयर है, कैनरा बैंक है, नेल्को है, पंजाब नेशनल बैंक है, सेल है, सन टीवी और वेदांता। तो ये 7 स्टॉक्स हैं जिसके अंदर आप एफएनओ में अगर ट्रेडिंग करने वाले हैं तो आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होंगे, तो आप बिल्कुल सोच समझ के ट्रेडिंग करिएगा। अगर आप इनके इक्विटी में ट्रेड करते हैं देन ही आपकी ट्रेडिंग हो सकती है। इस लिस्ट के बाद अब हम बढ़ते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा की तरफ। एफआईज और डीआईज के डेटा के अंदर आप देख सकते हैं कल नेट सोल्ड रहा है एफआईज का 343 करोड़ रुपीज का और डीआईज का नेट परचेज रहा है 266 करोड़ रुपीज का। तो ये जो मैंने आपको डेटा बताया 17 अगस्त का डेटा आपको बता रहा हूँ, यानी कि एनएससी की वेबसाइट से 17 अगस्त को ये डेटा मैंने निकाल के आपको दिखाने की यहाँ पे कोशिश करी है। आज का जो डेटा होगा वो इवनिंग में आएगा, जो कि आपको कल की यानी कि कल तो मार्केट की छुट्टी है, परसों आपको प्री मार्केट समरी में आपको दिख जाएगा। तो एफआईज डेटा और डीआईज डेटा के बाद अब हम बढ़ते हैं एमसेक्स डेटा की तरफ। तो एमसेक्स डेटा में आप देख सकते हैं गोल्ड का आपको मैं यहाँ रेट बता रहा हूँ, इसका जो प्राइस आ रहा है, गोल्ड भी बताऊंगा, सिल्वर, कॉटन, क्रूड ऑयल और आपको नेचुरल गैस बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको गोल्ड का रेट बता देता हूँ। इस समय जो गोल्ड का रेट चल रहा है, जो प्राइस चल रहा है 47240 का चल रहा है, उसमें जो चेंजेस आए हैं कल ओनली पॉजिटिव साइड में 15 पॉइंट का चेंज है। तो अगर आप परसेंटेज में देखते हैं तो परसेंटेज बहुत ही माइनर सी है, इसलिए 0% यहाँ पे लिखी गई है। सिल्वर का अगर आप प्राइस देखते हैं तो सिल्वर में कल 300 पॉइंट्स की गिरावट हुई थी और इसका जो इस समय एलटीपी चल रहा है 63150 का चल रहा है, परसेंटेज में माइनस में 0.5% का चेंज है। कॉटन अगर आप देखते हैं तो इसका एलटीपी 26640 का चल रहा है, अगर आप चेंजेस देखते हैं पॉइंट्स में तो 290 का पॉइंट्स का चेंज है, परसेंटेज में 1.1% का चेंज है। क्रूड ऑयल अगर आप देखते हैं तो इसका एलटीपी 4952 का चल रहा है, इसमें कल 54 पॉइंट्स की गिरावट आई है। तो इसके साथ इसका आप परसेंटेज देखते हैं तो माइनस में 1.1% का चेंज है। अगर आप नेचुरल गैस देखते हैं तो नेचुरल गैस का जो एलटीपी है आप देख सकते हैं 284 का है, चेंजेस जो इसमें आए हैं वो माइनस में 10 पॉइंट का चेंज आए हैं, काफी ज्यादा गिर चुका है ये वाला जो नेचुरल गैस है। इसके साथ साथ अगर परसेंटेज में चेंज देखते हैं तो माइनस में 3.5% का इसके अंदर चेंज आया है। तो ये थे हमारे आज के एमसेक्स डेटा, यानी कि कल के जो मार्केट बंद होने के बाद एमसेक्स डेटा आए हैं वो मैंने आपको भी स्क्रीन पे बताया। एमसेक्स डेटा के बाद अब हम बढ़ते हैं मार्केट के ग्लोबल इंडाइसेस की तरफ, जिसके अंदर मैं आपको सबसे पहले यूएस और यूरोप का मार्केट बता रहा हूँ। तो यूएस के मार्केट का आप देख सकते हैं, यानी कि यूएस के मार्केट का नैसडेक का जो एलटीपी चल रहा है 14656 चल रहा है, चेंजेस जो आए इसमें नेगेटिव साइड में माइनस में 137 पॉइंट का चेंज है, परसेंटेज में माइनस में 0.9% का चेंज है। अगर आप एफटीएससी देखते हैं तो एफटीएससी यानी कि जो यूरोपियन मार्केट है, कैक भी यूरोपियन मार्केट है, डेक्स भी यूरोपियन मार्केट है, तो एफटीएससी कल पॉजिटिव साइड में बंद हुआ है, 7181 पे क्लोज हुआ है, पॉइंट्स में 27 पॉइंट पॉजिटिव में इसमें क्लोज हुए हैं और परसेंटेज में पॉजिटिव साइड में 0.4% का चेंज है। अगर आप कैक देखते हैं तो कैक का जो एलटीपी है 6819 का है, चेंजेस जो इसमें आ रहे हैं पॉइंट्स में माइनस में यानी नेगेटिव साइड में 18 पॉइंट का चेंज आ रहा है, आप कह सकते हैं एक तरह से माइनस में 19 पॉइंट का ऑलमोस्ट चेंज आ रखा है, परसेंटेज में माइनस में 0.3% का चेंज है। अगर आप डेक्स मार्केट देखते हैं तो 15000 का इसका जो एलटीपी आसपास चलता है, तो कल इसका जो एलटीपी रहा है 15921 का रहा है, चेंजेस इसमें बहुत ही माइनर से आए हैं, ओनली 3-4 पॉइंट का चेंज आया माइनस में, तो परसेंटेज में एक तरह से हमने यहाँ पे जीरो दिखाया है। तो आप ये देख सकते हैं कल की जो मार्केट रही है, बाहर की मार्केट ऑलमोस्ट सारी नेगेटिव रही है सिर्फ एफटीएससी को देख के। तो इसके बाद मैं आपको जो यूएस यूरोप का आपको डेटा आपको दिख गया होगा स्क्रीन पे, इसके बाद मैं आपको एशियन मार्केट का भी डेटा बता देता हूँ, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आज की मार्केट हमारे इंडियन मार्केट पे क्या इंपैक्ट डालेंगे। तो ग्लोबल मार्केट के एशियन मार्केट में आप देख सकते हैं एसजेएक्स निफ्टी जो कि अभी रन कर रहा है 16643 के राउंड पे और इसके अंदर पॉजिटिव 40 पॉइंट्स आ गए हैं, परसेंटेज में इसमें 0.2% का पॉजिटिव साइड में चेंज आ रहा है। अगर आप निकी 225 देखते हैं तो इसका जो एलटीपी चल रहा है 27587 का चल रहा है, इसमें जो पॉइंट्स में चेंजेस आ रहे हैं 163 पॉइंट के चेंजेस आ रहे हैं। अगर आप परसेंटेज में देखते हैं तो परसेंटेज में इसमें 0.6% का चेंज आ रहा है। इस हिसाब से अगर आप स्टेट टाइम्स का देखते हैं तो स्टेट टाइम्स आप देख सकते हैं इसका जो करंट वैल्यू आ रहा है यानी इसका जो एलटीपी आ रहा है वो 3150 का आ रहा है और इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं 32 पॉइंट का चेंज आ रहा है और परसेंटेज में 1% का इसमें चेंज आ रहा है पॉजिटिव साइड में। हैंगसेंग मार्केट अगर आप देखते हैं तो इसका जो इस समय एलटीपी चल रहा है 25822 का चल रहा है और इसमें जो
चेंजेस आ रहे हैं, पॉइंट्स में 136 पॉइंट के चेंज है, परसेंटेज में 0.5% का चेंज है। अगर आप ताइवान का मार्केट देखते हैं तो ताइवान का मार्केट का जो एलटीपी है 16447 का एलटीपी है, पॉइंट्स में माइनस में 213 पॉइंट का चेंज है और परसेंटेज में माइनस में 1.3% का चेंज है। तो आप देख सकते हैं बाहर की जो एशियन मार्केट है उसके अंदर जो मेन हमारा एसजेएक्स निफ्टी है वो भी पॉजिटिव चल रहा है, बाकी मार्केट भी पॉजिटिव है, निक्की स्टेट्स और एंगसेंग पॉजिटिव है, ओनली ताइवान का मार्केट है जो नेगेटिव चल रहा है, बाकी सारे मार्केट पॉजिटिव चल रहे हैं। तो इन ग्लोबल मार्केट के बेसिस पे मैं आपको आज का हमारा निफ्टी पे ओपनिंग व्यू बताने वाला हूँ, फंडामेंटल ओपनिंग व्यू। अब आप स्क्रीन पे रीड आउट कर सकते हैं कि जैसे कि ग्लोबल एशियन मार्केट साफ साफ इंडिकेट कर रही है कि वो पॉजिटिव कर रही है, तो आज की हमारी मार्केट भी पॉजिटिव ओपन होगी। और जैसा कि अभी एसजेएक्स निफ्टी 16643 के राउंड पे रन कर रहा है और इसके अंदर 42 पॉइंट्स पॉजिटिव में आ रहे हैं, यानी कि 40 पॉइंट्स पॉजिटिव में आ रहे हैं, तो ये बता रहा है कि आज का हमारा निफ्टी 50 भी 40 पॉइंट्स से पॉजिटिव ओपन हो सकता है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट एशियन मार्केट के बेसिस पे आज का जो हमारा निफ्टी पे ओपनिंग व्यू रहेगा, यानी निफ्टी ओपन होने के लिए जो व्यू रहेगा वो बुलिश ट्रेंड रहेगा। निफ्टी का फंडामेंटल ओपनिंग व्यू जानने के बाद अब मैं आपको बता देता हूँ आज का हमारा निफ्टी पे टेक्निकल व्यू कैसा है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स बता दूंगा, इंडिकेटर के बेसिस पे कौन से इंडिकेटर से हमें क्या इंडिकेशन मिल रही है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मोमेंटम ऑसिलेटर्स लगा लिए हैं, इसके अंदर आरएसआई स्टोकेस्टिक स्टॉक आरएसआई विलियमसन इसके सीसीआई आरओसी और अल्टीमेट लगा रखे हैं। इसके अंदर मैंने कौन से लेवल लिए हैं वो भी आप सारे वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, जैसे आरएसआई में 14 का लेवल लिया है, स्टोकास्टिक में 9 और 6 का लेवल लिया है, और इनकी क्या वैल्यू निकल के आ रही है, इसमें कौन से लेवल निकल के आ रहे हैं तो वो आप यहाँ देख सकते हैं। आरएसआई का 69.25 का लेवल निकल के आ रहा है जो बुलिश बता रहा है। उसके बाद सबसे एंड में अगर आप आरओसी और अल्टीमेट देखते हैं तो इसके जो वैल्यू निकल के आ रहे हैं 0.426 निकल के आ रहा है, अल्टीमेट का 66.89 निकल के आ रहा है, तो इसका भी आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों बुलिश आ रहे हैं। तो इस मोमेंटम ऑसिलेटर के अंदर स्टॉकेस्ट आरएसआई है जो सिर्फ न्यूट्रल है, बाकी सारे इसमें बुलिश हैं, कुछ बीच में उनके इंडिकेशन नहीं मिल रही है। तो इसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि इसमें हमें बुलिश ट्रेंड मिल रहा है। इसके बाद अगर हम ट्रेंड ऑसिलेटर देखते हैं जो आप स्क्रीन पे आ गए होंगे, इसके अंदर आप देख सकते हैं एमएसईडी के जो मैंने लेवल्स लगाए हैं 1226 के लगाए हैं, और इसके जो वैल्यू आ रहे हैं समय निकल के, यानी कि जो लेवल निकल के आ रहे हैं 51.56 निकल के आ रहा है, तो उसका बुलिश ट्रेंड आ रहा है। इसी तरह से एडेक्स का भी बुलिश आ रहा है। अगर हम बुल एंड बियर की पावर लगाएं, मतलब 13 के पॉइंट्स के हिसाब से लगाएं, तो इसमें जो लेवल आ रहा है 102 का आ रहा है और इसमें बुलिश ट्रेंड बता रहा है। इसी के साथ साथ अगर वॉलेटिलिटी वाले इंडिकेटर्स लगाते हैं जैसे एटीआर हाई एंड लो, तो उसमें आप देख सकते हैं कि एटीआर के अंदर हाई वॉलेटिलिटी दिखा रही है और हाई एंड लो उसके अंदर भी बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है। तो टेंस ऑसिलेटर की वजह से भी वॉलेटिलिटी उसमें भी आपको दिख रहा होगा कि बुलिश ट्रेंड बता रहा है। इसके बाद मैं आपको मूविंग एवरेज का बता देता हूँ। मूविंग एवरेज हमने यहाँ पे पीरियड 5 से 200 तक के बीच में लिए, 5, 10, 20, 50, 100 एंड 200। इसके अंदर मैंने दो तरीके से यहाँ पे लेवल्स निकाले हैं, सिंपल और एक्सपोनेंशियल। तो इसमें आप देख सकते हैं लेवल्स यहाँ पे आ गए हैं। मैं आपको सारा रीड आउट करके नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो में चाहता नहीं हूँ कि ज्यादा लंबी हो और आप बोर हो, तो आप यहाँ पे लेवल खुद से वीडियो पॉज करके, अगर आपको ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है तभी आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से सारे लेवल्स नोट डाउन कर सकते हैं। तो नोट डाउन करने के बाद आप देख सकते हैं कि सारे के सारे यहाँ पे जो लेवल्स हैं सारे बुलिश हैं। और अगर हम ओवरऑल मार्केट में देखें कि मूविंग एवरेज क्रॉसओवर क्या हो रहा है, तो उसका भी मैंने यहाँ पे तीन तरीके से निकाला है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। इसमें 5 to 20 का एक लेवल है, 20 to 50 का, 50 to 200 के बीच का एक लेवल्स आ रहे हैं, यानी क्रॉसओवर आ रहे हैं। और उसके अंदर आप देखते हैं तीनों के तीनों इंडिकेशन कर रहे हैं कि बुलिश ट्रेंड है। तो इसके बाद अगर हम देखते हैं कि इन सभी के बेसिस पे जो मैंने अभी आपको टेक्निकल व्यूज बताए हैं, सभी के बेसिस पे सबसे पहले मूविंग एवरेज बताया तो उसमें स्ट्रॉन्ग बुलिश आ रहा है, मोमेंटम ऑसिलेटर बता रहा हूं तो उसमें भी बुलिश आ रहा है, ट्रेंड ऑसिलेटर उसमें भी स्ट्रॉन्ग बुलिश आ रहा है, वॉलेटिलिटी में भी स्ट्रॉन्ग बुलिश आ रहा है, और मूविंग एवरेज क्रॉसओवर में भी बुलिश ट्रेंड आ रहा है, यानी कि वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश आ रहा है। तो आप देख सकते हैं सारे टेक्निकल के बेसिस पे आज का हमारा होल डे का जो मार्केट में निफ्टी का जो ट्रेंड बन रहा है, जो लग रहा है कि आज कैसा व्यू रहेगा, तो वेरी बुलिश रहेगा, यानी काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश रहेगा। तो अगर आप मार्केट में आज ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो मार्केट में अगर आप निफ्टी फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको दिखेगा कि मार्केट के अंदर आज निफ्टी फ्यूचर वेरी बुलिश चल रहा है। तो दोस्तों निफ्टी का फंडामेंटल और टेक्निकल व्यू जानने के बाद अब आपको पता लग गया होगा कि आज मार्केट में कैसे मूवमेंट होने वाली है। और इस वीडियो के अंदर आपने सारी डिटेल देख ली होगी जो प्री मार्केट समरी में आपके लिए जरूरी है। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो के अंदर मैं कुछ और भी ऐड करूं, कुछ और भी नंबर्स ऐड करूं, कुछ और भी डेटा इसके अंदर ऐड करूं, तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताएगा, आपके जो भी सजेशंस होंगे बिल्कुल उस पर ध्यान रखते हुए उस पर काम किया जाएगा। और कल से ही, मतलब कल तो मार्केट बंद है, परसों से ही प्री मार्केट समरी के अंदर वो चीज़ इंप्लीमेंट की जाएगी। और आपके जो भी कमेंट होंगे अगर मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं आपका अपने वीडियो में नाम भी मेंशन करूंगा। उसके साथ साथ दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी मेहनत कंटिन्यूस करता रहूं, क्योंकि मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूं आपको अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए, उसके लिए आपको मुझे मोटिवेट करिए। अगर आप मेरे को मोटिवेट करेंगे तभी मुझे अच्छा लगेगा, और मैं जितना मोटिवेट होऊंगा उतनी ज़्यादा मेहनत करूंगा आप लोगों के लिए। तो ऐसी मेहनत को कंटिन्यूस रखने के लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरे चैनल के साथ जो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन का बटन है
वो भी आपको दबाना है, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों आपसे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, यानी कि अगला वीडियो हमारा जो एंड मार्केट समरी पे इवनिंग में आने वाला है वो आप जरूर देखिएगा। उसके अंदर आज के पूरे दिन की हलचल, आज के पूरे दिन की मूवमेंट आपको पता लग जाएगी, और उनके बेसिस पे आप नेक्स्ट डे ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी जब भी मार्केट ओपन होगी वो डेटाज आपको हेल्प करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच मेरा वीडियो देखने के लिए, और आपकी आज की ट्रेडिंग के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।